छत्तीसगढ़ BNA 24 न्यूज कोरबा। कोरबा जिले में सड़कों की हालत बद से बदतर है, यह किसी से छुपी नहीं है। जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था को लेकर केवल जुबानी तंज कस रहे हैं, लेकिन इस तरह के विरोध से लोगों को समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। खराब सड़कों की दुर्दशा की हालत दीपका गेवरा, कुसमुंडा और दीपका को जोड़ने वाली सड़कों पर सबसे अधिक है। सबसे अधिक बद से बदतर वाली स्थिति कुसमुंडा से कोरबा की है। आपको बता दें, यह सड़क निर्माणाधीन है, लेकिन निर्माण के दौरान वैकल्पिक मार्ग गड्ढों से भरा हुआ है और इन वैकल्पिक मार्ग पर मालवाहक ट्रेलरों की लंबी कतार आए दिन लगी रहती है। जाम का आलम यह है कि 7 से 8 घंटे तक सड़कों पर वाहनों का जाल बिछा रहता है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि दोपहिया वाहनों के लोगों के सफर का कल्पना तो छोड़ दीजिए, 4 चक्के वाली गाड़ियों का भी निकलना मुश्किल है। इस तरह की अव्यवस्था को लेकर इसके निराकरण के लिए स्थायी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यही कारण है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है। जिले, प्रदेश एवं देश को रोशन करने वाले कोयलांचल में रहने वाले स्थानीय लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। आलम यह है कि जाम के कारण महज 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 6 से 7 घंटे का समय व्यर्थ हो रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि विरोध के माध्यम से सुर्खियां बटोरने में सफल रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्याप्त अव्यवस्था का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि खराब सड़कों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, बावजूद सुधार कार्य होता नहीं दिख रहा है। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आप भी सुनिए। यार रोड की स्थिति देखा तो सब अवैया देवैया में रचना परेशान हो गए। न प्रशासन लसू से सूझे, न प्रशासन लसू है। अमरैया मर जाए, फिर भी आदमी स्वास्थ्य पानी बिजली पर जाते, कोई भी काम से सरकारी काम में जाते, अपन घरों काम में जाते, कोई लाए न शासन लसू है, न प्रशासन लसू है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार तो है, प्रशासन तो है, या शासन आते और जाते, आम जनता मन के कोई हित में काम नहीं होते। पूरा दिन बदतर हो गए पूरा। न तो आज तक कभी जीवन में सुख मिली, न सुविधा मिली, खाली जाम जाम जाम, खाली सड़क जाम, धूल मिट्टी, आदमी कौन से काम से जाते, पूरा धूल धक्कड़ होके पूरा अपन जाके पहले साफ सफाई करी, अपन बाद में काम लगे। सुना आपने, यह आम लोगों का दर्द है जो खराब सड़कों के वजह से उन्हें झेलना पड़ रहा है। सड़क निर्माणाधीन है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग में बड़े बड़े गड्ढों को भरते हुए लोगों के आवागमन के लिए निश्चित ही राहत दी जा सकती है, लेकिन इस राहत के लिए भी संबंधित जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं, और यदि नहीं बने हुए हैं तो सड़कों पर जाम लगना, गाड़ियों का फंसना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी इन सड़कों पर चलना पड़ता है। इन तमाम लोगों को होने वाली असुविधा शहर में किसी से छुपी नहीं है। चुनाव नजदीक है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए नेता सक्रिय हो चुके हैं। शहर के हर चौक चौराहों में दीपावली, दशहरा के बधाई देने वाले नेताओं के पोस्टरों से मानो शहर पट गया है। मां सर्वमंगला मंदिर में इन दिनों नवरात्रि को लेकर भक्तों का आना जाना सबसे अधिक है, लेकिन खराब सड़क के कारण मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान और देवी दर्शन के लिए शहरवासी महरूम होने लगे हैं। समस्याओं को लेकर आम जनता चीख चीख कर यही कह रही है कि काश इन समस्याओं के पोस्टर भी नेताओं, समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के हृदय में समस्या की यह तस्वीर होल्डिंग की तरह दिखने लगती। संभवतः ऐसा होने से उनकी सड़कों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण करने को लेकर क्षेत्र में स्थायी विकल्प की राह आसान हो जाती। अब देखना यह होगा कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के बेहतर होने के दावों पर कब मुहर लगती है, या इसी तरह अव्यवस्था लोगों को सताती रहेगी, यह आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा।